हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं 10th और 12th वालों के लिए कोरोना वायरस पर निबंध। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को कोरोना वायरस पर निबंध ज़रूर याद कर लेना चाहिए। तो आज हम बताएंगे कोरोना वायरस पर निबंध, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच पाएगी और आप अपनी तैयारी एक्सीलेंट तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कोरोना वायरस का रूपरेखा क्या है। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग प्रस्तावना है, सेकंड है कोरोना वायरस का प्रभाव, मतलब कोरोना वायरस का क्या प्रभाव पड़ा देश दुनिया पे, और नेक्स्ट है कोरोना वायरस से लाभ, कोरोना वायरस से लाभ क्या क्या हुए हैं ये भी हम देखेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट है कोरोना वायरस के लक्षण, कि कोरोना वायरस के क्या लक्षण हैं, ठीक है, ये भी हम देखेंगे, और हमारा नेक्स्ट है कोरोना वायरस से बचने का उपाय, हमें कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है, कैसे हम बच सकते हैं ये भी देखेंगे, और हमारा लास्ट है उपसंहार। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा निबंध संपूर्ण होता है। तो चलिए देखते हैं, प्रथम हेडिंग है हमारी प्रस्तावना, ठीक है, सबसे पहले आपको प्रस्तावना हेडिंग डाली है, उसमें लिखना है कोरोना वायरस एक मानव निर्मित वायरस जनित बीमारी है। कैसी बीमारी है? मानव निर्मित वायरस जनित बीमारी है। ऐसा माना जाता है कि यह वायरस चीन के द्वारा फैलाया गया है। कहाँ से फैलाया गया है? चीन के। यह माना गया है कि ये बीमारी जो है ये चीन के द्वारा फैलाया गया है, और सर्वप्रथम इस बीमारी को चीन के मुहार शहर, कहाँ से? मुहार शहर पाया गया था। ऐसा भी माना गया है कि इस बीमारी को मुहार शहर पाया गया था। इसका संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संपर्क एवं हवा द्वारा होता है, जिसके कारण इसने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया, इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी घोषित कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा प्रस्तावना था। आगे नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है कोरोना वायरस का प्रभाव, कोरोना वायरस का क्या प्रभाव पड़ा वो हम देखेंगे। कोरोना वायरस का प्रभाव विश्व भर देखने को मिलता है, इसकी वजह से दुनिया के कई देशों में विकास दर धीमी हुई, क्या हुई? विकास दर भी धीमी हो गई, और हमारे देश भारत के साथ साथ अमेरिका सहित दुनिया के अन्य देशों के आर्थिक विकास में मंदी देखने को मिलती है, क्या? मंदी देखने को मिलती है। इसका मुख्य कारण यह है कि यह वायरस बहुत तेजी से अपने संक्रमण की दर को बढ़ाता है, क्या बढ़ा? अपने संक्रमण की दर को बहुत तेजी से बढ़ाता है, जिसके कारण कई देशों में लॉकडाउन, क्या? लॉकडाउन भी लगाना पड़ा, कई देशों में भी लॉकडाउन लगाया गया, और सभी बच्चों के स्कूल को बंद करना पड़ा, क्या करना पड़ा? सभी बच्चों के स्कूल को भी बंद करना पड़ा, जिससे बच्चों के शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ा, क्या? गहरा प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो ये हमारा कोरोना वायरस का प्रभाव था। अब हम नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग है कोरोना वायरस से लाभ, कोरोना वायरस से क्या लाभ हुए हैं वो हम देखेंगे। कोरोना वायरस के हानियों के साथ साथ कुछ लाभ भी देखने को मिला, मतलब हानियों के साथ साथ कुछ लाभ भी देखने को मिले हैं। तो क्या है लाभ ये देख लीजिए, नदियों के जल में सफाई देखने को मिली, क्योंकि लॉकडाउन के कारण सभी लोग घर पर रहते थे, जब सभी लोग घर पर रहते थे तो नदियों में सफाई देखने को मिली लॉकडाउन के समय, अतः गंगा का जल साफ हो गया, अतः गंगा का जल क्या हो गया? साफ हो गया, जब सभी लोग घर पर रहे तो नदियां क्या हो गई? साफ हो गई। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है कोरोना वायरस के लक्षण, देखते हैं कोरोना वायरस के लक्षण क्या है। तेज बुखार, गले में दर्द, क्या? तेज बुखार और गले में दर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, फेफड़ा कमजोर हो जाना, यह शरीर के अंगों को नाकाम कर देती है, नाकाम मतलब काम करने लायक नहीं छोड़ती, ये नाकाम कर देती है, जिससे मरीज की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा लक्षण था। अब हम देख लेते हैं कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है। तो कोरोना वायरस से बचने का उपाय है, कोरोना वायरस से बचने के उपाय,
पहला है मास्क का प्रयोग करना चाहिए, हमें मास्क का भी प्रयोग करना चाहिए कोरोना वायरस से बचने के लिए। सेकंड है, कोरोना वायरस से संक्रमित इलाकों में जाने से बचना चाहिए। जो इलाके कोरोना वायरस से यानी कि COVID-19 से संक्रमित है उस इलाके में हमें जाने से बचना चाहिए। नेक्स्ट है, 2 मीटर की दूरी बनाए रखना चाहिए, हमें 2 मीटर की आपस में दूरी बनाए रखना चाहिए। ठीक है, अपने हाथों को समय समय पर 20 सेकंड तक धोते रहना चाहिए, हमें अपने हाथों को 20 सेकंड तक समय समय पर धोते रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रोज़ सुबह योगाभ्यास करना चाहिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें योगाभ्यास भी करना चाहिए। ठीक है, कोरोना वायरस से बचने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा कोरोना वायरस से बचने का उपाय था। हम नेक्स्ट हेडिंग लास्ट हेडिंग देखेंगे। ठीक है, उपसंहार, इसमें आपको क्या लिखना है, कोरोना वायरस सार्स वायरस की तरह है। किसकी तरह, सार्स ये एक बीमारी थी। ठीक है, तो कोरोना वायरस भी सार्स वायरस की तरह है, इसकी संक्रमण दर तेज है, इसकी संक्रमण दर क्या है, तेज है, लेकिन मृत्यु दर उतनी ही कम, अतः हमें डरने की ज़रूरत है। क्या हमें इससे डरने की ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादा नहीं, बस हमें सावधानी रखनी चाहिए, मानव प्रकृति को नष्ट कर रहा है जिससे इस तरह की अनेक बीमारियों का जन्म होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम में निबंध को लिखना है, इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा आप लोग, और अपनी राइटिंग पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को पूरे के पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। आप हेडिंग भी आप लोग इसी तरीके से डालिएगा जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, तो इसी तरीके से अगर आप लोग लिखेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। आई होप आप लोगों को निबंध समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे हमारे द्वारा बनाई गई प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच पाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।